अब नुक्कड़ वाला देसी चाउमीन घर पे बनाएं बिल्कुल आसानी से। हेलो जी, मैं हूं शेफ हरपाल भाई। क्या आपको पता है चाउमीन हिंदुस्तान का फेमस स्ट्रीट फूड है। हर गली नुक्कड़ वाले ठेले पे आपको बिल्कुल देसी चाउमीन मिलता है और हम बड़े चाव से खाते हैं। अब वही वाला स्वाद घर पे बनाएं बिल्कुल आसानी से। चाउमीन नूडल्स जो है ना, वो थोड़े पतले होते हैं और मसालेदार होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं चिंग्स जस्ट सोप चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई या वॉक में 5 से 6 कप पानी उबाल लें। अब जब तक पानी उबलता, चलिए हम सब्जियां काट लेते हैं। हमें चाहिए लगभग 300 ग्राम एसॉर्टेड सब्जियां, यानी कि आधा गोभी, एक छोटी सी गाजर, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और थोड़े से हरे प्याज। ठीक है जी, इसके लिए आधा गोभी ले लेते हैं और इसको काट लेते हैं। जिस तरह से मैं सब्जियां काट रहा हूं, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। एक छोटी सी गाजर ले लें, शिमला मिर्च, एक प्याज, और थोड़ा सा हरा प्याज ले लेते हैं। तो लीजिए, हमारी सब्जियां तैयार हो गई है। अब नूडल्स की तैयारी करते हैं। अब पानी हमारा उबल गया है, हम लेंगे चिंग सीक्रेट जस्ट सोप चाउमीन नूडल्स और इस पैक के अंदर आपको नूडल्स के साथ साथ चाउमीन मसाला भी मिलता है। तो चलिए ये काट लेते हैं नूडल्स के साथ चाउमीन मसाला, ताकि जब भी आप घर पे चाउमीन बनाए एकदम परफेक्ट देसी स्वाद पाए। पानी हमारा उबल गया है, अब ये नूडल्स डाल लेते हैं, इंडक्शन बंद कर लेते हैं और ढक के लगभग 5 से 7 मिनट तक रखते हैं। अब नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं, उनको छान लेते हैं। अब इनको ठंडे पानी से धो लेते हैं। और धोना क्यों होता है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए, सेकेंडली पकना बंद हो जाए। ओवर कुकिंग होना नहीं चाहिए, नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पके होने चाहिए, तभी आपको मजा आता है। नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच तेल के ले लें और इसमें कटी हुई सब्जियां डाल लेते हैं। थोड़ी देर भूने या स्टर फ्राई जैसे चाइनीज में कहते हैं वो करें। अब नूडल डालें और चिंग्स चाउमीन मसाला जो जस्ट सोप चाउमीन के अंदर मिलता है पैकेट के अंदर, वो काट के डालें। हल्का सा पानी का छींटा दें और मिक्स करें। अब चाउमीन हमारी तैयार। फाइनली थोड़ा हरा प्याज और परोसने के लिए बोल ले लेते हैं।
भाई बिल्कुल देसी वाला नुक्कड़ वाला चाउमीन तैयार है, स्वाद एकदम मसालेदार है, रोज बनाए और रोज खाए।